से हटके क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं तो मेरे पास रिलायंस रिलायंस के 260 शेयर्स हैं। ठीक है, अभी मार्केट ट्रेंडिंग में बताया ना, पैसा आएगा तो कहाँ आएगा मालूम है? यही बड़ी बड़ी कंपनी में आएगा। अभी रिलायंस बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है, यहाँ से बहुत स्पीड से ऊपर जा सकता है। रिलायंस क्या है, 10% कंट्रीब्यूटर है इसका निफ्टी का। एचडीएफसी क्या है, एचडीएफसी 5-5% कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के। जब ये सब चार्ट मूव करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली निफ्टी मूव करेगा। तो ये सब में एक मूवमेंट अभी पेंडिंग है और बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी रिलायंस में, मार्क माई वर्ड। मतलब बहुत अच्छा चार्ट है उसका, स्पीड से भाग सकता है यहाँ से। 26 से 2800, 10% कोई बड़ी चीज नहीं है रिलायंस के लिए। और अगर अभी आप ऐड करना चाहते हो ना रिलायंस को, तो ऐड कर सकते हो। एडिशन यहाँ पे की जा सकती है रिलायंस के अंदर में, एचडीएफसी के अंदर में, एचडीएफसी बैंक के अंदर में, निफ्टी के अंदर में, निफ्टी 20 के अंदर में, कोई भी खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं। मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग है और ट्रेंड अपवर्ड है और मूवमेंट अच्छी आ सकती है। यहाँ पे जनरली क्या होगा, कौन घुसेगा यहाँ पे आप बताओ? आप मेरे से बात करने से पहले क्या घुसने की हिम्मत रखते थे रिलायंस में या एचडीएफसी में या एचडीएफसी बैंक में इस पॉइंट पे? नहीं, क्यों? क्योंकि बैक ऑफ माइंड क्या है कि वो आपने भाव देखा होगा ना, 2400 रुपये, 2300 रुपये, 2200 रुपये, और आपने झेला हुआ है उसको, आपने उसको झेला हुआ है। क्योंकि आपके पास में रिलायंस के 267 जो शेयर पड़े हुए ना, वो ये बता रहे हैं कि आपने बहुत लंबा, हर दिन ही देखते होंगे, हर दिन उसमें दिमाग जाता होगा, अरे बढ़ेगा तो, अरे बढ़ना चाहिए तो, आज तो बढ़ेगा लग रहा है। लेकिन क्या होता है, आपने कॉन्ट्रेरी काम किया उसने, तो आपको एक साल तक उसने क्या किया है, आपका माइंड वही कर दिया, सेट कर दिया कि भाई ये तो बढ़ेगा नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ेगा फिर नीचे आ जाएगा। हिस्ट्री क्या करती है, रिपीट करती है ना, तो वो दिमाग में वही हिस्ट्री आपके सेट कर दिया उसने। अब वो बढ़ेगा तो वो वहां पे आपकी हिम्मत तो नहीं होगी खरीदने की, ऐड करने की वहां आपकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपने 2200 रुपया देखा, 2100 रुपया देखा, 2000 देखा है, उसके बाद में आपकी हिम्मत तो बिल्कुल बिल्कुल होने वाली नहीं है। हाँ, नया बंदा कोई एंट्री करता है तो उसकी हिम्मत हो जाएगी, लेकिन आपने अगर पहले से होल्ड किया हुआ तो आपकी हिम्मत नहीं होगी। और मार्केट क्या होता है, जिसकी हिम्मत नहीं होती ना, उसी डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर एडिशन करना हो थोड़ा बहुत, 300 तक ले जाना चाहो तो आसानी से ले जा सकते हो, बिल्कुल छूट है। और यहाँ से वो जो 30-40 शेयर खरीदोगे ना, उसमें 10-20% का बेनिफिट लेके वहाँ पे निकल सकते हो ऊपर में, 20% या 30%, 3000 या 3500 के आसपास जाए, या 3200 के आसपास जाए, तो वो सिर्फ उतने से शेयर बेच सकते हो। नहीं तो रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे बेचना नहीं चाहिए, बहुत ही बढ़िया शेयर है रिलायंस। एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी पहले अच्छा नहीं था, अभी अच्छा हो गया है अभी के हिसाब से। एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे हैं, मूवमेंट आएगी तो इनमें आएगी। एफआईआई का परचेजिंग इसी समय होगा बड़े स्टॉक्स में। हाँ, बड़े में आना चाहिए, वो पैनिक टाइप के बाइंग आएगी, जैसे पैनिक सेलिंग होती है ना, वैसे पैनिक बाइंग भी होती है। अभी उनको लग रहा है कि वो इतना बड़ा रन छूट गया उनका, तो वो पकड़ने आएंगे ना, तो वो सब ये सब नहीं सोचते कि क्या भाव चल रहा है क्या नहीं, जहाँ पे मिल रहा है खरीदो। वो खरीदेंगे तो सीधा एक जंप मिलेगा, और वही जंप से डर रहे हैं कि वो जो जंप आएगा ना, तो निफ्टी को उठा के नहीं ले जाए।